राली बाबू का मकान यही है? नहीं, मेरा नाम ब्योमकेश है, इंस्पेक्टर साहब से मिलना। सोच समझ के ठीक से जवाब देना, जरा भी झूठ बोले ना तो सीधा हथकड़ी पहना दूंगा, समझे? जी हुजूर। ओ, तो आ गए आप। कहिए इंस्पेक्टर सेन, कैसे याद किया? बैठिए। कमिश्नर साहब चाहते हैं कि आप भी कुछ छानबीन करें, इसलिए बुलाया है। उनका हुक्म सराखों पर, आप भी देख लीजिए। लेकिन नया क्या देखेंगे आप? एक मामूली खून का मामला है, खूनी कौन है वो भी पता चल गया है। खून किसका हुआ है? इस मकान के मालिक कराली बाबू का। केस सीधा साधा सा है। कराली बाबू के एक भांजे साहब है मोतीलाल, इसी मकान में रहते हैं, वही कल रात से खून करके गायब है। आप जरा खुलासा तो बताइए। इस मकान के मालिक कराली बाबू यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। अब कहाँ है, थे। कलकत्ते में उनके 3-4 और भी मकान है और बैंक में बड़ी मोटी रकम भी, लेकिन न बीवी है न बच्चे, और अमीर होने के नाते रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं है। देखिए ना, इसी मकान में इनके साथ 5 व्यक्ति और पलते हैं, 3 भांजे, मक्खनलाल, मोतीलाल और चुनीलाल, और उनकी बड़ी साली के 2 बच्चे, लड़का सुकुमार और लड़की सत्यवती। कराली बाबू थे बड़े गुस्से वाले और सनकी भी, बस आए दिन अपनी वसीयत बदलते रहते थे। उनकी अलमारी से 3 वसीयतें मिली। पहली में उन्होंने मक्खनलाल को वारिस बनाया, दूसरी में मोतीलाल को, और तीसरी में सारी जायदाद सुकुमार के नाम कर दी। पर ऐसा क्यों? जिससे नाराज हुए उसे वसीयत से निकाल दिया। इसी वसीयत को लेकर कल दोपहर मोतीलाल और कराली बाबू के बीच में झगड़ा हुआ था। अब मोतीलाल भी गर्म मिजाज का आदमी है और पीने का भी शौकीन। कल रात 12 बजे से वो गायब है। घर के 2 नौकरों ने उसे रात को जाते देखा है और आज सुबह कराली बाबू की लाश उनके कमरे में मिली। अब तो साफ जाहिर है कि खूनी कौन है। जरा एक मिनट, पहले इससे निपट लूं। हाँ, तो कल रात को मोतीलाल को कितने बजे बाहर जाते देखा? रात के 12 बजे के बाद। तुमने मोतीलाल को सीढ़ी से उतरते देखा? जी नहीं हजूर, जब वो दरवाजे से बाहर निकले तब देखा। ऊपर से उतरते क्यों नहीं देखा बोलो? उस वक्त हजूर मैं पड़ोस में गांजे का दम मार रहा था। हाँ, बाहर का दरवाजा खुला था। जी। तुम कितने बजे घर वापस आए? मोती बाबू के जाने के 1/2 घंटे बाद मैं वापस आ गया था। तब तक सुकुमार बाबू वापस आ गए थे। वो अब ये सुकुमार बाबू कहाँ से अटपके? वो मैं नहीं जानता हजूर। सुकुमार बाबू कितने बजे वापस आए? मोती बाबू के जाने के 10-15 मिनट बाद ही। अब चलिए घर वालों से भी मुलाकात कर लें। कराली बाबू की लाश उनके कमरे में होगी ना? हाँ चलिए, तुम सब यही रहना, समझे? ये कमरा किसका है? मोतीलाल का है, जिसने खून किया है। इसके ठीक ऊपर वाला कमरा कराली बाबू का है। आइए। आधी चाय प्लेट में छलकी और आधी कप में। लाश जैसी थी वैसी है, हिलाई तो नहीं? नहीं, सिर्फ चादर से ढक दी है और गर्दन से सुई निकाल ली है। सुई? सुई। मौत कैसे हुई किसको पता ही नहीं, मैंने मालूम किया है। गर्दन के पीछे जहां मेडुला और फर्स्ट वर्टिब्रा मिलता है, वहां सुई घुसा घुसा के उनकी हत्या की गई है। ताजुब की बात है, जहाँ मेडुला और फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे के मिलने की जगह है, वो तो बहुत नाजुक है। इसका मतलब है कि खूनी को ये मालूम था। मोतीलाल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवा दिया? हाँ, दोपहर तक पकड़ा जाएगा। जाएगा कहाँ? क्या काम करता है वो? कुछ नहीं, अनपढ़ गवार, 3rd क्लास तक पढ़ा होगा, मामा का माल उड़ा रहा है और यहाँ वहाँ लोफरी करता फिरता है।
इनकी गर्दन पे तो 3 बार सुई घुसाने के निशान है। हाँ है, तो क्या हुआ? वो क्या है कि वो मेड्यूला और रेड की हड्डी की मिलने की जगह न मिलने के कारण से कई बार सुई घुसाई होगी हत्या के लिए। आपने इनके नाक पे गौर किया? नाक पे? हाँ नाक, काले स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। हाँ शायद उनको जुकाम हुआ होगा, वो कई बार नाक साफ करने के कारण से ऐसे स्पॉट्स लग जाते हैं नाक पे। आपको दाल में कुछ काला लगता है? दाल में नहीं, नाक पे। चलिए वो जो सुई आपके पास है वो जरा दीजिएगा। कमाल है, क्या हुआ? इसके साथ तो काले रेशम का धागा लगा हुआ है। इसमें कमाल की क्या बात है, सुई में धागा नहीं होगा तो मोटी रस्सी होगी। अब आप जल्दी कीजिए, मुझे थाने जाना है। सबसे बड़ा भांजा मोतीलाल है, उसके बाद मक्खनलाल जो नीचे रहता है, और उसके बाद चुनीलाल जो यहाँ ऊपर है। आइए उसे मिल लीजिए पहले। चुनीलाल आप उनसे बातें करिए, वो एक सीधा साधा आदमी है, लंगड़ा, कहीं आता है न जाता है। तब तक मैं नीचे काम खत्म करके आता हूँ। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। आप ही चुनीलाल? जी हाँ। मैं ब्योमकेश, आपसे ब्योमकेश बख्शी, सत्यन बख्शी, बैठिए ना। मैंने समझा आप सीआईडी के आदमी हैं। पुलिस को तो आपने सब कुछ बता ही दिया होगा, फिर भी आपसे दो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, शौक से। आप खुद चलकर आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप जरूर अजीत बाबू हैं। जी हाँ। आपको तो मालूम ही होगा कि पुलिस का सारा शक आपके बड़े भाई मोतीलाल पर है। जी हाँ मालूम है भैया, झगड़ालू और गुस्सेबाज जरूर हैं, लेकिन वे मामा का खून कभी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जायदाद से हटा दी गए हैं, इसी गुस्से से शायद अपने मामा का खून करने पर उतर आए हैं। जायदाद से तो हम तीनों भाइयों को हटाए गए हैं, फिर उन पर ही शक क्यों हो रहा है? अच्छा ये बताइए, कराली बाबू सबसे ज्यादा किसको पसंद करते थे? हम 5 जन यहाँ रहते हैं, और मामा किसको कितना प्यार करते थे ठीक से कहा नहीं जा सकता। वैसे मामा बहुत कड़े स्वभाव के आदमी थे, उनके मन में क्या है किसी को भी पता नहीं चलता था। हाँ सत्यवती उनका हमेशा ख्याल रखती थी, शायद उससे ही ज़्यादा प्यार होगा। और आपसे? मैं अपंग हूँ इसलिए मुझसे कुछ हमदर्दी हो सकती है। आज मामा इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। वो तो हमारे अन्नदाता थे, वो अगर हमें आश्रय नहीं देते तो आज हम सब फुटपाथ पर होते। उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में सुकुमार को सब कुछ दे दिया है, मालूम? जी हाँ मालूम है। सुकुमार हर तरह से लायक है, पढ़ा लिखा है, आगे डॉक्टर बनेगा। हम तीनों भाई तो यूं ही हैं, लेकिन इससे मामा के मन में क्या था कुछ पता नहीं चलता। और इस घर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके नाम कभी ना कभी वसीयत ना बनी हो। अब तो सुकुमार को सब कुछ मिलेगा, ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? अगर सुकुमार भैया यहाँ आश्रय देते हैं तो यहीं रुकूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। और कर भी क्या सकता हूँ। आप बता सकते हैं कराली बाबू का खून रात कितने बजे हुआ? कोई आवाज वगैरह सुनी? हो सकता है रात खत्म होने से पहले या। अरे आप अभी तक यहीं हैं? चलिए चलिए। कराली बाबू का खून कब हुआ था? रात को 12 बजे हुआ या रात को 4 बजे हुआ क्या फर्क पड़ता है, आइए देर हो रही है। ये सुकुमार का कमरा है और पास में उसकी बहन सत्यवती का। सुकुमारी एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, चलिए नीचे मखनलाल से मिल लेते हैं, वो टेढ़ी खीर है। चलिए ऊपर आई गई है तो इन भाई बहन से भी मिल लेते हैं, हर्ज क्या है? ओफो, आप लोग भी बस। सुकुमार, ब्योमकेश बाबू तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। वो जो भी सवाल करे ठीक सोच समझ के जवाब देना, समझे? कल रात को आप कहाँ गए थे? सिनेमा गया था। कौन सा सिनेमा? चित्रा। अरे ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं और मैंने भी जरूरी नहीं समझा।
क्या जरूरी है और गैर जरूरी है उसका फैसला हम करेंगे। तुम्हारे पास कोई सबूत है तुम चित्रा सिनेमा गए थे? आपकी आखिरी मुलाकात कराली बाबू से कब हुई थी? शाम को 5 बजे। आप उनके कमरे में गए थे? जी। क्यों? मौसा जी की वसीयत के बारे में बात करना चाहता था। पहले उन्होंने सारी वसीयत मोतीलाल भैया के नाम लिख दी और बाद में उन्हें हटाकर सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। इस वजह से दोपहर को काफ़ी झगड़ा हुआ दोनों के बीच। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे उनकी सारी दौलत नहीं चाहिए, वो उसको सब लोगों में बराबर बांट दें। फिर उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। वहाँ से आप कहाँ गए? सिनेमा? नहीं, पहले चुन्नीलाल के पास गया। बातचीत करते करते देर हो गई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा सिनेमा चला जाऊं। सुना आपने? योमकेश बाबू, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या सुकुमार खूनी है और मोतीलाल को मैंने गलती से गिरफ्तार किया है? अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसी गलती क्यों करने लगे? चलिए अब इनकी छोटी बहन से मिलाते हैं। आपको तकलीफ देने आए हैं, पुलिस की थोड़ी बहुत ज्यादती का आप पूरा मत मानिएगा। पुलिस को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पुलिस नहीं है। ज्यादा नहीं, दो एक सवाल है, आइए बैठिए। आप क्या जानना चाहते हैं पूछिए, मैं यहीं से जवाब दूंगी। आप ही रोज सुबह चाय लेकर कराली बाबू से मिलती थी? आज सुबह चाय देते समय आपको पहली बार पता चला कि कराली बाबू गुजर चुके हैं? इससे पहले कुछ नहीं मालूम था। रात को कराली बाबू के कमरे का दरवाजा खुला था? हाँ, इस घर में किसी को भी रात में दरवाजा बंद करके सोने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है कराली बाबू रात को कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोते थे और ये सबको मालूम है। अब ये कैसा सवाल है? अगर क्रॉस एग्जामिन करना है तो ठीक से करिए ना, मुझे और बहुत काम है। देखिए इंस्पेक्टर सेन, अगर आप दखलंदाजी करेंगे तो मुझे मजबूरन कमिश्नर साहब से कहना पड़ेगा कि आप मेरी तहकीकात में रोड़ा डाल रही हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं। आप कराली बाबू की मौत की खबर सुबह से पहले नहीं जानती थी, जरा फिर सोचकर बताइए। सोचकर ही बता रही हूं, नहीं जानती। चाय जब देने गई तो तश्तरी में कैसे छलक गई? वो जब देखा वो गुजर गए हैं तो घबराहट में चाय तश्तरी में गिर गई होगी। पर जब गुजर गए हैं पता चला तो चाय वहां क्यों रखाई? घबराहट में कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। साफ साफ सब कुछ कह डालने से हमें बहुत मदद मिलेगी। सब कुछ नहीं बताएंगे? और मुझे कुछ नहीं मालूम। ये एम्ब्रॉयडरी आप बना रही हैं? जी। ये लाल नीले पीले काले धागे
सुई कहाँ है? सुई? हाँ सुई, सुई से तो सिलाई करती हैं, वो सुई कहाँ है? भैया। सत्या, सत्या। अच्छा नहीं किया आपने, मुझे सब कुछ बता सकती थी, मैं पुलिस थोड़ी हूँ, ये तो आपको मालूम है। बताने से शायद आपको भी फायदा होता। चलो अजीत। चुन्नी, मुत्ती भाई को गिरफ्तार करके ले आए हैं। आपकी माँ का नाम? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। छोड़ दो मुझे, मैंने मामा को कोई खून नहीं किया, भगवान की सौगंध। मैं रात भर अनारों के कमरे में शराब पी रहा था, अनारों गवाह है। ये रहे मोतीलाल, इन्हीं के नाम वारंट था, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कहाँ गिरफ्तार किए? हाट काटा गली के एक अड्डे में। छोड़ो, चुप। अजीब आदमी है आप लोग, मैं तो अनारों के कमरे में रात भर सो रहा था। मालूम, लेकिन सुबह तो वापस आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आए? रात भर मैंने इतनी पी रखी थी, पूरी एक बोतल पी रखी थी, फिर सुबह कैसे आता? नींद नहीं खुली। ले जाओ इसे, डाल दो लॉकअप में। आप लोग मुझे पकड़ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मुझे कानून मालूम है। छोड़ दो मुझे। अच्छा, लाश लेकर क्या पता चला? पहली बात, ये कराली बाबू की हत्या क्लोरोफॉर्म देने के बाद की गई थी। उनके नाक के पास जो काले काले दाग थे वो क्लोरोफॉर्म की वजह से होते हैं। और दूसरी बात कि उनकी गर्दन पर 3 बार सुई घुसाई गई थी। 3 बार क्यों? इसीलिए कि पहली और दूसरी बार जहां सुई घातक होती है एग्जैक्ट उसी जगह पर नहीं लगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुई घुसाकर वहीं छोड़ दी गई। अभी वो उसे ले जा सकता था जिससे कि कोई सबूत ही ना मिले। हो सकता है घबराहट और जल्दबाजी की वजह से वहीं छोड़ गया हो। सुकुमार के टेबल पर एक किताब, ग्रेज एनाटॉमी, उस किताब में सिर्फ एक पेज पर कुछ लाइनों के नीचे लाल पेंसिल से निशान लगाए गए थे। वो निशान क्या थे? मेजुला और फर्स्ट वर्टिब्रे के मिलने की जगह पर अगर आघात किसी भी वजह से फौरन मृत्यु हो जाती। क्या कह रहे हो, तुम्हारा मतलब है कि? लेकिन ताजुब की बात यह है कि सुकुमार के टेबल पर लाल पेंसिल तो मिली नहीं। ये लीजिए, तीनों वसीयत नामे, ये तीसरा सुकुमार के नाम है, ये आखिरी वसीयत है, देख लीजिए आपको क्या देखना है। देखा? चलिए जरा सुकुमार के कमरे की तलाशी ले ली जाए। अब तलाशी लेना जरूरी है? जी। क्या ढूंढेंगे आप वहां? क्या मालूम, कुछ भी मिल सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है। क्यों नहीं? ब्योमकेश बाबू, आपको मोतीलाल से कोई हमदर्दी है क्या? आइए। आपको जो भी तलाशी लेनी है ले लीजिए, मैं यहां बैठता हूं। ये अलमारी खुली है? जी हाँ। और उन बक्सों की चाबी? वो सामने बुककेस पर है। आप जाइए जरा नीचे बैठिए, जब तक हम ना बुलाएं। जी। आइए, इस अलमारी की पूरी तलाशी लीजिए अजीत। ये देखिए क्लोरोफॉर्म की शीशी। आपको शायद नहीं मालूम कि कराली बाबू को पहले क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था। क्लोरोफॉर्म इसलिए दिया गया था ताकि वो सुई चुभाते वक्त चीखे नहीं। अब ये बक्से देखने हैं, इन्हें पहले अलग अलग कीजिए।
ये देखिए दूसरा वसीयत नामा। तारीख क्या है देखना? परसों की, जिस दिन कराली बाबू की हत्या हुई। और ये वसीयत नामा चुनीलाल के नाम पर। कराली बाबू की जिस तरह हत्या हुई है उससे साफ पता चलता है कि जिसने भी ये काम किया है वो डॉक्टरी की विद्या से वाकिफ है, और सुकुमार तो डॉक्टरी पढ़ रहा है। मैं थाने जाता हूँ, मोतीलाल को जल्दी ही छुड़वाना है। आप जो चाहे तलाशी लीजिए, योमकेश बाबू जो गए उसकी तामील करना, सुकुमार को गिरफ्तार करना है ना। इसे संभालिए। धन्यवाद अजीत, तुम यही रहना, मैं जरा सत्यवती से मिलकर आता हूँ। आप मेरे भैया को बचा लीजिए। देखिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। देखिए आप धीरज रखिए, अगर आपके भैया सचमुच निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे भैया ऐसा काम कभी नहीं कर सकते, वो तो कभी एक मक्खी भी नहीं मार सकते। मैं आपके पैर पड़ती। ये क्या कर रही है? कहिए आप मेरे भैया को छोड़ देंगे? बैठिए, अब बैठिए यहाँ पर। आप गलती कर रही हैं। सुकुमार को छोड़ने का जिम्मा पुलिस का है, मेरा नहीं। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करने के लिए मुझे सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आप कुछ छुपाएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। छुपाया है? हाँ? आपको उसी रात कराली बाबू की हत्या के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन आपने बताया नहीं। अब आप सब कुछ बताएंगी? मैं सब कुछ बता दूं तो सारा दोष भैया पर पड़ेगा। देखिए अगर आपके भैया बेकसूर हैं तो सच बात कहने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। आप बिना झिझक साफ साफ बताइए, कुछ छुपाइएगा नहीं। मौसा जी ने वसीयत बदलकर सारी जायदाद भैया के नाम कर दी थी। ये पता लगते ही उस दिन दोपहर को मोतीलाल भैया के साथ मौसा जी की काफी झड़प हो गई। कॉलेज से वापस आकर जब भैया को ये पता चला तो वो भी मौसा जी से मिले और कहा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मौसा जी की मर्जी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो वो आग बबूला हो जाते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने भैया को कमरे से निकाल दिया, कहा तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। भैया चुपचाप चले आए और चुन्नीलाल के कमरे में चले गए। चुन्नीलाल स्कूल कॉलेज नहीं गए तो क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई में उन्हें काफी दिलचस्पी है। उनके कमरे में अलमारी भरी किताबें हैं, भैया से इसलिए उनकी अच्छी बनती है। मौसा जी का यह व्यवहार उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात को करीबन 8 बजे वे मेरे कमरे में आए। सत्या, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, आते आते 12 बज जाएंगे, बाहर का दरवाजा खुला रखना। तब तक दरवाजा खुला ही रहता है, नौकर चाकर पड़ोस में अपने लोगों के साथ आधी रात तक गपशप करते रहते हैं। अच्छा, खाना तो दे दो। हाँ। रात के खाने के बाद करीबन 10:30 बजे में सो गई। नींद में ही थी, यकायक मेरी आंखें खुल गई। ऐसा लगा भैया के कमरे में कोई भारी बक्सा उठाकर रख रहा है। मैंने सोचा भैया वापस आ गए, फिर सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। ऐसा लगा कोई दबे पाँव गैलरी से जा रहा है। सोचा भैया तो सो गए, फिर कौन इस तरह दबे पाँव गैलरी से जा रहा है? आपको पूरा यकीन है आपके भैया ही अपने कमरे में गए? हाँ, भैया ही थे। अच्छा, तब समय क्या होगा, आप कुछ कह सकती हैं? जरूर, शहर के चारों तरफ तब 12 के घंटे बज रहे थे। फिर? भैया 15 मिनट पहले आ गए, उनके कमरे से आवाज सुनी, फिर वो कहाँ निकल गए मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तब ख्याल आया जरूर मौसा जी को देखने गए होंगे। मौसा जी को रात को कभी कभी गठिया का दर्द होता है, नींद नहीं आती, तब उन्हें दवाई देनी पड़ती है ताकि वो सो जाएं। इसलिए मैं उसी वक्त मौसा जी को देखने चली गई। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। अजीब से एक बू नाक में आई। मीठी मीठी? हाँ बिल्कुल ठीक, मीठी मीठी। क्लोरोफॉर्म। फिर सुबह किसी तरह से, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं, चाय लेकर मौसा जी के कमरे में चली गई। आप सचमुच बहादुर लड़की हैं। और कोई होती तो चीख पुकार, बेहोशी, हाय तौबा, न जाने क्या कुछ करती, लेकिन आपने सिर्फ भैया के लिए। अच्छा मैं चलता हूं। आपने कुछ बताया नहीं? बताने लायक अभी कुछ नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप ये सब पहले बता देती तो बहुत अच्छा था। मैंने जो बताया उसे भैया को तो कुछ नहीं होगा ना? ब्योमकेश बाबू, भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप चुप हो जाइए, ऐसे घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं जाता हूं, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मैं हूं ना। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है खून सुकुमार ने नहीं। अच्छा अजीत, सत्यवती देखने में वैसे कुछ खास सुंदरी तो नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं यूं ही जरा, लोग उसे दुबली कहेंगे, बदसूरत तो नहीं। सुकुमार को पकड़ कर ले गए। तुम्हें क्या लगता है कराली बाबू का खून सुकुमार ने किया? चलो आज 9:30 के शो सिनेमा दिखाते हैं, चित्रा में अच्छी पिक्चर लगी। अरे ये तो आज भूखे गए। चित्रा में सिनेमा देखने के बाद पैदल कराली बाबू के यहाँ होएंगे, देखते कितना वक्त लगता है। क्यों टैक्सी पकड़कर घर जाते हैं, सुबह आना है, कल सब कुछ बता दूंगा। चलो लेकिन ये सब चलो ना। अरे आइए ब्योमकेश बाबू, कल तो आप गायब ही हो गए। आपने मोतीलाल को छोड़ दिया और सुकुमार को गिरफ्तार कर लिया। वो क्या बात हुई, अब आप कहेंगे कि सुकुमार भी निर्दोष है? आप तो हर चीज सोच समझ कर करते ना। हाँ मुझे तो सुकुमार पर पहले से ही शक था, आखिर में वो डॉक्टर ही पढ़ रहा है ना, इंसान के शरीर के हर हिस्से को अच्छी तरह जानता है। और फिर ये नई वसीयत जो चुनीलाल के नाम मिली, यही तो असली सबूत है। वसीयत तो आपने दिखाई नहीं, कल आप उसे लेकर चलते बने। लीजिए देखिए। देखिए ये क्या, क्या हुआ? ये देखिए क्या, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं, नजर नहीं आ रहा। नहीं यहां देखिए, गवाह के दस्तखत नहीं है। गवाह? खैर इस माखनलाल को पकड़े रखिए, छोड़ेगा नहीं, और फौरन एक मैजिस्ट्रेट के यहाँ से अरेस्ट वारंट निकलवा दीजिए। फिलहाल आसामी का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो जी हम जरा चुनीलाल से मिलाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कराली बाबू के खूनी का पता चल गया है। जी मालूम है, सुकुमार भैया को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यकीन नहीं होता है। उनके कमरे से एक और वसीयत भी बरामद हुई, वो आपके नाम। जी वो भी मालूम है, तब से मन खट्टा हो गया है कि रुपयों की वजह से मामा बेमौत मारे गए हैं। वे सारी संपत्ति मेरे नाम लिख गए हैं, लेकिन फिर भी यकीन मानिए मुझे रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई है। फिजियोलॉजी,
ये सुकुमार की किताब है? जी, सुकुमार भैया कभी कभी मुझे अपनी डॉक्टरी किताब पढ़ने देते थे। अब देखिए ना, सुकुमार को ही मैं अपना सबसे नजदीक का साथी समझता था, अपने भाइयों से भी ज्यादा। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपको तरह तरह की किताबों में दिलचस्पी है, जरूरी जगहों पर बकायदा निशान लगाए हुए। जी हाँ, पढ़ाई के अलावा मेरे लिए और कुछ है ही क्या, बस कोई साथी नहीं है। सुकुमार भैया ही रोज शाम को आते थे और गपशप करते, उन्हीं से मैं पढ़ाई लिखाई और सुख दुख की बातें करता था। अच्छा, तो क्या सचमुच सुकुमार भैया ने हत्या की है? कातिल के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उनमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको सब समझाता हूं, बैठे। देखिए, हत्या दो तरह की होती है। एक हत्या होती है गुस्से में, जिसे हम कहते हैं क्राइम ऑफ पैशन, और एक हत्या होती है ठंडे दिमाग से। जो गर्मी खाकर हत्या करते हैं उन्हें पकड़ना बहुत आसान है, अक्सर वो खुद ही पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो सोच समझकर अपने आप को शक और सबूतों के दायरे से बचाकर हत्या करते हैं उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तब शक कई लोगों पर पड़ता है। ऐसी सूरत में हत्या करने के तरीके से ज्यादा हम हत्यारे को समझने की कोशिश करते हैं। कराली बाबू के खून से पता चलता है कि खूनी बहुत ही चालाक लेकिन साथ साथ में बेवकूफ भी है। उसने बड़ी समझदारी से हत्या की लेकिन बेवकूफी के साथ सबूत घर में छोड़ दिए। अब आप ही बताइए, सत्यवती की सुई से हत्या करने की क्या जरूरत थी? क्या बाजार में सुई नहीं मिलती? फिर वसीयत को छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी? अगर वो फाड़ देते तो उससे काम खत्म हो जाता। इससे क्या पता चलता? क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि समझदार आदमी भी कई बार गलती कर बैठता है, और इस मामले में हत्यारा भी छोटी छोटी गलतियां कर बैठा जिससे वो पकड़ा गया। कैसी गलतियां? बताता हूं, जरा अपनी डायरी तो देना। मैं इस मकान का नक्शा बनाता हूँ, आपके पास पेंसिल होगी कोई? जरा दीजिए। नक्शा रहने दीजिए, मैं यूं ही बताता हूँ। खूनी ने तीन बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। पहली, उसने ग्रे की एनाटॉमी की किताब में एक जगह लाल पेंसिल से निशान लगा दिए हैं। दूसरी, उसने बक्सा हटाते वक्त सावधानी से काम नहीं लिया, कुछ आवाज की। और तीसरी, उसे कानून के बारे में कुछ नहीं मालूम। कानून नहीं मालूम? नहीं, और इसी वजह से इतनी बड़ी साजिश आसानी से पकड़ी गई। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सुकुमार के कमरे में जो वसीयत मिली है वो कानून की नजरों में अहमियत नहीं रखती, उसमें गवाहों के दस्तखत नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं चुनीलाल बाबू? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है ब्योमकेश बाबू, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, आधे घंटे का वक्त देता हूँ, तैयार हो जाइए। क्लोरोफॉर्म कहाँ से मंगाया? मांगलनाथ से। आप आधे घंटे बाद आइए। मांगलनाथ जी, चुनीलाल को आपने क्लोरोफॉर्म कब ला कर दिया? जी मुझे कुछ मालूम नहीं। सच सच बताइए वरना ये वारंट आप ही के नाम लिखा जाएगा। दुआई हुजूर, मुझे कुछ मालूम नहीं। चुनीलाल ने मुझसे कहा उसे रात में नींद नहीं आती, एक बूंद क्लोरोफॉर्म लेने से नींद अच्छी आएगी, इसीलिए। समझा। इंस्पेक्टर सेन, इन्हें जाने दीजिए, चलिए भागिए। वारंट आ गया? अभी नहीं। लेकिन ये वारंट है किसके लिए? उसी के लिए जिसने
कराली बाबू का खून किया है। देखिए ब्योमकेश बख्शी, ये मजाक का वक्त नहीं है। कमिश्नर साहब आपको चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई मजाक उड़ाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक बिल्कुल नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूँ। चुनीलाल ने कराली बाबू का खून किया है, ये वारंट उसी के लिए है। आप भी ब्योमकेश बाबू, आप चलिए मेरे साथ, वो अभी अपना जुर्म कबूल करेगा, वरना अदालत में ये जुर्म साबित करना मुश्किल था। उसने आधे घंटे की मोहलत मांगी है, आधा घंटा हो गया है, चलिए। लेकिन इसके सिवाय चारा भी क्या था। ये चिट्ठी आपके नाम। ओमकेश बाबू चलता हूं, जब धनी नहीं मिला फिर जिंदा रहकर क्या फायदा। मामा की मैंने हत्या की है, उसके लिए मुझे गम नहीं, लेकिन सुकुमार को दोषी ठहराना और उसे फांसी पर लटकाना मेरे लिए जरूरी हो गया था। उसका मुझे अफसोस है। आज कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, मैं हमेशा सत्यवती को चाहता था और इस सारे षड्यंत्र में उसे पाने की इच्छा भी कहीं बहुत प्रबल थी। किस तरह से चुनीलाल ने कराली बाबू का खून किया, जरा खुलासा बताओ तो। चुनीलाल जैसे विकलांग लोगों में एक अजीब तरह की कमजोरी होती है, अपने बिगड़े हुए अंग पर वह कोई मजाक या चोट नहीं सह सकते। अब कराली बाबू मुफट आदमी थे, सो आए दिन चुनीलाल के लंगड़ेपन पर चोट करते रहते थे। इसीलिए चुनीलाल ने ठान ली थी बहुत दिनों से कि वो बुढ़े का सफाया करना है। उस रात 8 और 9 के बीच जब सत्यवती रसोई में थी, उसके कमरे में गया और वहां से सुई और थिम्बल चुरा लाया। उस रात करीब 11:30 बजे मोतीलाल घर से निकले, जिसे चुनीलाल ने अपने कमरे से देखा। मोतीलाल के जाते ही वो कराली बाबू के कमरे में गया, जाकर देखा कराली बाबू सो रहे थे। यही मौका था, क्लोरोफॉर्म पहले से ही मंगवा लिया था। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर कराली बाबू को बेहोश कर दिया। फिर अलमारी खोली और पास ही दराज से आखिरी वसीयत निकाली। पढ़कर खुश हुआ, वसीयत उसी के नाम थी। वसीयत को अपने पास ही रखा और फिर ठान ली कि जो सोचा था उसे करने का वक्त आ गया है। बुड्ढे को फिर वसीयत बदलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उसने कराली बाबू को एक तरफ पलटकर उनकी गर्दन पे सुई से वार किया। एक बार सुई चुभाने से काम नहीं बना, इसलिए 3 बार वार किया। सुकुमार जैसे डॉक्टरी पढ़े हुए लोग शायद ये काम एक ही बार कर लेते। काम हो जाने के बाद सीधा सुकुमार के कमरे में गया। चुनीलाल ने पहले से ही सोच लिया था कि अपने ऊपर कोई शक न हो, इसलिए किसी दूसरे पर शक होना जरूरी है। वहां उसने सुकुमार की अलमारी में क्लोरोफॉर्म की शीशी छुपा दी और बक्से की चाबी लेकर एक बक्सा खोलकर उसके अंदर वसीयत छुपा दी। नई वसीयत पर गवाहों के दस्तखत क्यों नहीं थे? कराली बाबू ने रात को खाने के बाद वसीयत तैयार की होगी। हाँ। उन्होंने सोचा होगा सवेरे किसी के दस्तखत करवा लेंगे, लेकिन हाँ। अच्छा, सत्यवती से फिर कभी मुलाकात हुई? हाँ, कई बार।
अरे वाह, आज तो बहुत सज धज कर सेंट भी लगाया। सत्य की खोज करना क्या कुछ मामूली काम है? बहुत कुछ करना पड़ता है। सत्य की खोज तो तुम कई दिनों से कर रहे हो, लेकिन कभी इतना बंठन कर नहीं निकले। सत्य की खोज तो हाल ही में शुरू की है। मतलब सत्य, मतलब सत्यवती, ब्योमकेश। 4 बजे मिलना है विक्टोरिया मेमोरियल के पास। मैं चलता हूं।